गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 63rd लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडमिशन का रिटायरमेंट स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कंटिन्यू किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 2:3:5। पी रिटायर होता है 31 मार्च 2013 को और उसकी जगह एक्स ज्वाइन करता है एज अ न्यू पार्टनर सेम डेट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू आर और एक्स का रहेगा 2:3:1। बैलेंस शीट आपको दी हुई है पी क्यू एंड आर की, मतलब पुराने पार्टनर्स की आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2013 को। तो यहाँ पे ये पार्टनर कौन रिटायर हुआ, तो पी रिटायर हो गया और उसकी जगह कौन आया, तो एक्स आया। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने हैं, लोन एक्स का इतना है, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। एक्स को एडमिट किया गया है इन सारे टर्म्स पे। मशीनरी आप डेप्रिसिएट करेंगे 3000 रुपीज़ से, बिल्डिंग रीवैल्यू होगी 30,000 पे, स्टॉक को राइट ऑफ किया जाएगा 5,000 से, प्रोविजन और 5% बनेगा अगेंस्ट डाउटफुल डेट। सो मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब मशीनरी की वैल्यू घट रही है, बिल्डिंग्स रीवैल्यू हुई है 30,000 में, पहले 10,000 थी तो इंक्रीज हो रही है, स्टॉक राइट ऑफ हुआ है मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन आपको बनाना है डेटर्स पे तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, गुडविल आपको वैल्यू करनी है, 2 ईयर्स परचेस फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू पी कितना है, रिटेन कर दिया गया है बिजनेस में एज अ लोन, बट एक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। देखिए, पी का जो अमाउंट हमको पे करना है ऑन रिटायरमेंट वो उसका लोन में चले जाएगा, लेकिन जो एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 1/5 रहेगा कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का क्यू एंड आर का, मतलब क्यू एंड आर का एडजस्टेड कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो 1/5 होगा उसका वो अमाउंट एक्स का कैपिटल कहलाएगा। और वो अमाउंट एक्स का कैपिटल कहाँ से आएगा, तो उसके लोन में, देखिए लोन फ्रॉम एक्स का है 50,000, उसी में से आपको वो अमाउंट को लेना है। गुडविल पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर दी जाएगी बुक्स से एक्स के एडमिशन के बाद। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू को अल्टर नहीं करेंगे, मतलब ये जो भी अल्टरेशन दिया हुआ है वो बुक्स में शो नहीं होगा। इसके लिए आपको देखिए, नॉर्मली अगर यहाँ तक के ट्रांजेक्शन होते तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आज हमको उनको अल्टर नहीं करना है, इसलिए हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स आपको दिया हुआ है 20,000 प्रॉफिट, 15,000 लॉस एंड 40,000 प्रॉफिट। आपको नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ साथ आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फर्म की। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सारी चीज़ें आगे की कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हम एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो एडजस्टमेंट्स में हमको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में सबसे पहले दिया है मशीनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और मशीनरी जो है हमारी वो डेप्रिसिएट हो रही है। अब मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है तो उसको किस साइड शो किया जाएगा, तो अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ होती तो हम मशीनरी को डेबिट करते, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, लेकिन अभी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इसलिए हमारा आएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो हम इसको शो करेंगे साइड, दैट इज टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना यहाँ पे डेप्रिसिएट हुआ है, तो 3000 रुपीज़ यहाँ पे इसके डेप्रिसिएट हो गए हैं। इसके बाद हमको बिल्डिंग दिया गया जो कि 3000 पे रिवैल्यू हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, पहले थी 10,000 अब है 30,000, कितना इंक्रीज हुआ है 20,000 इंक्रीज हुआ है बाय बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमको दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक को राइट ऑफ किया गया 5,000 रुपये से, मतलब स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है बाय 5,000, टू स्टॉक 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद देखिए तो हमको दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेट्स पे बन रहा है, मतलब डेटर्स की वैल्यू भी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स डाउटफुल डेट, ये बन रहा है एट द रेट 5%, 5% बन रहा है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स देखिए तो 30,000 हमको डेटर्स दिए हुए हैं, उसका 5% मतलब 1,500 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए तो हमारे पास अब
जनरल रिजर्व को अपोर्शन करना है तो वो इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतने ही ट्रांजेक्शन है जो कि रिलेटेड टू हमारे किससे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल करें तो हम यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 20,000 रुपीज, है ना, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 + 8 9,500 रुपीज। तो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो कि डिवाइड होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब पी क्यू आर तीनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, पी क्यू आर इन द रेशियो, रेशियो है 2:3:5 में, 2:3:5 में, ठीक है। तो 20,000 का 2/10 जाएगा पी के पास, 20,000 नहीं है, ये अमाउंट होगा आपका यहाँ पे 9,500 आया, मतलब इन टोटल हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 10,500 रुपीज। 10,500 का 2/10 जाएगा इसके पास, 3/10 जाएगा क्यू के पास, एंड 10,500 का 5/10 जाएगा आर के पास। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज, सॉरी 2,100 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ये आपका अमाउंट 3,150 रुपीज, एंड लास्टली 5,250 रुपीज। इन टोटल जो है ये हमारा 20,000 होगा, ये टोटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये क्या है, मेमोरेंडम है, मतलब अब आपको सारी चीजें रिवर्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपके सारे आइटम्स है वो सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे, बाय रिवर्सल ऑफ आइटम्स बॉट डाउन, ठीक है। तो अब हम रिवर्सल कर रहे हैं, सबसे पहले है मशीनरी 3,000, नेक्स्ट है स्टॉक 5,000, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, नेक्स्ट इसके बाद क्या है हमारे पास, तो इधर देखिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का भी यहां पे आएगा 2 रिवर्सल ऑफ आइटम, तो यहां पे हमारे पास बिल्डिंग 20,000। अब देखिए यहाँ पे आ रही थी वैल्यू इसलिए प्रॉफिट हो रहा था, अब देखिए तो यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 9,500 रुपीज है, मतलब अब आ रहा है हमारे पास लॉस। तो अब ये होगा आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये जो लॉस है ये जाएगा बिटवीन न्यू पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पहले थे पी क्यू आर, अब पी चले गया रिटायर हो गया, मतलब अब हो गए हैं हमारे पास पार्टनर्स क्यू आर एंड एक्स, इनके बीच में ये अमाउंट अब डिवाइड होगा, दैट इज 10,500 को अब हम इनके बीच में डिवाइड करेंगे, तो 3,500 आएगा इसके शेयर में, आर के शेयर में आएगा 5,250 एंड हमारे एक्स के शेयर में आएगा 1,750। ये रेशियो क्या था, तो क्यू आर एक्स का जो नया रेशियो दिया हुआ है दैट इज 2:3:1, उस रेशियो में हमने ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल 10,500 रुपीज को, और एट लास्ट यहाँ पे भी टोटल आपका आएगा 20,000 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों साथ में है तो आपको सबसे पहले जो रिटायरमेंट से पहले का रिवैल्यूएशन जिसे आप बनाते हैं नॉर्मली रिवैल्यूएशन वो बनाएंगे, फिर उसके बाद एडमिशन होने के बाद आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो उस केस में रिवर्सल के बाद ये डिवाइड होगा बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग एडमिटेड न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड, ठीक है। तो एक्स नया पार्टनर है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और रिटायर्ड पार्टनर को आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। अब देखिए इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद हमको बोला है कि जनरल रिजर्व को आपको अपोर्शन करना है बिटवीन द पार्टनर्स। तो अब जनरल रिजर्व को अपोर्शन कर रहे हैं तो उसकी आप जनरल एंट्री चाहे तो यहाँ पे पास कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। अब ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मतलब पी क्यू और आर के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 2:3:5। अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का, 40,000 रुपीज है, इसको आप 2:3:5 के में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8,000 रुपीज।
यहाँ पे आएगा हमारे पास 12,000 रुपीज़ एंड लास्टली 20,000 रुपीज़। टोटल आपका 40,000 हो रहा है, हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है, फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया है। 2 ईयर्स परचेस में एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर्स का लेना है, ठीक है। तो सेकेंड एडजस्टमेंट आती है हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर जो हमको दिया है उसमें प्रॉफिट हुआ है 20,000। नेक्स्ट आपको जो दिया है उसमें हुआ है लॉस, ये हमने प्लस का साइन डाला। अब लॉस है इसलिए हमने -15,000 यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है हमारे पास 40,000 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है। टोटल 3 ईयर्स का इसलिए डिवाइडेड बाय 3 हमने किया है। 20,000 माइनस 15,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़, ये हमारे आ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद बोला है गुडविल वैल्यू होगी 2 ईयर्स परचेस में, तो गुडविल इज इक्वल टू 15,000 दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़ हमारी गुडविल है फर्म की, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब समझिएगा कि हमारा जो गुडविल है वो बुक में नहीं शो हो रहा है, मतलब SHO लाइबिलिटीज अगर आप चेक करें तो वहां पे आपको गुडविल नहीं दिया हुआ है। और एज गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पार्टनर्स, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुडविल को आपको शो करना पड़ेगा इन द बैलेंस शीट। उसके लिए हम क्या करते हैं, गुडविल को रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले गुडविल को रेस करना पड़ेगा और फिर एट लास्ट अगर आप देखें तो 8th वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें बोला गया है कि आपको गुडविल को राइट ऑफ भी करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को रेस करेंगे, और रेस कैसे होगा, ओल्ड पार्टनर्स दैट इज PQR से रेस होगा। नेक्स्ट आपको उसको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करना है फ्रॉम द बुक आफ्टर एक्स एडमिशन, एक्स के एडमिशन के बाद आपको राइट ऑफ करना है, इसलिए ये होगा बिटवीन न्यू पार्टनर्स। तो अब देखिए इसके क्या होगा एडजस्टमेंट, तो जब आप रेस कर रहे हैं गुडविल तब आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड 2P 2Q 2R, ठीक है। अब गुडविल टोटल हमारा कितना है, तो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा गुडविल 30,000 रुपीज़ है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 2:3:5। 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो R के पास जाएगा 15,000 रुपीज़, नेक्स्ट हमारा Q के पास जाएगा 9,000 रुपीज़ और P के पास जाएगा 6,000 रुपीज़, ठीक है। रेज होने के बाद अब ये गुडविल को हमको करना पड़ेगा राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने के लिए जस्ट अपोजिट एंट्री पास करेंगे, जैसा आपने रेज के लिए पास किया जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री पास होगी। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब न्यू पार्टनर्स आएंगे दैट इज क्यू आएगा, आर आएगा, एक्स आएगा, पी हमारा यहाँ से रिटायर हो चुका है। क्यू अकाउंट डेबिटेड, आर अकाउंट डेबिटेड एंड एक्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू सेम रहेगी दैट इज 30,000 रुपीज़, और अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दिस पार्टनर्स इन द रेशो 2:3:1, ठीक है। 2:3:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो अब हमारी वैल्यू आएगी 10,000 रुपीज़ टू क्यू, 15,000 रुपीज़ टू आर एंड एक्स को, एक्स के शेयर में आएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप ये रेज और राइट ऑफ की वैल्यू आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, तो अमाउंट ड्यू जो की है पी को, उसको बिजनेस में रिटेन करना है एज लोन, और एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। मतलब अब आ गया उसका पी का लोन का अमाउंट हमको निकालना है, और साथ साथ जो हमारे एक्स का नया कैपिटल रहेगा, जो एक्स कैपिटल लेके आएगा वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि हमको पता चले कि कितना एक्स लेके आएगा और कितना हमको पी को पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो बैलेंस दिया हुआ है इन द बुक्स वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय बैलेंस बॉट डाउन अमाउंट देखिए पी क्यू आर का 10,000, 15,000 and 20,000 रुपीज़ है हमारे पास। 10,000, 15,000, 20,000 एक्स को अपना कैपिटल लेके आना है। अब उसको कितना कैपिटल लेके आना है वो हमको नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो जो आपने एंट्रीज पास की है उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले जनरल रिजर्व से रिलेटेड पास की है, बाय जनरल रिजर्व पी क्यू एंड आर के बीच में ये डिवाइड होगा। बाय जनरल रिजर्व अमाउंट आएगा 8,000 रुपीज़, 12,000 एंड 20,000 रुपीज़।
नेक्स्ट आता है, हमने गुडविल से रिलेटेड एंट्री की है. गुडविल को पहले रेज किया है, तो बाय गुडविल अकाउंट 6000, 9000 एंड 15000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बाय गुडविल अकाउंट 6000, 9000 एंड 15000 रुपीस. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमको नेक्स्ट एंट्री देखे तो गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है. गुडविल राइट ऑफ किया है तो टू गुडविल अकाउंट आएगा, क्यू आर एंड एक्स के बीच में डिवाइड होगा, 10000, 15000 एंड 5000. अब पी के बीच में नहीं हो रहा है, ये क्यू आर और एक्स के बीच में हो रहा है. ठीक है, टू गुडविल अकाउंट क्यू के बीच में आएगा. क्यू को मिल रहा है इसका अमाउंट 10000 रुपीस, आर के शेयर में आ रहा है 15000 और एक्स के शेयर में आ रहा है 5000 रुपीस. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, जहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हुआ है, पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस. पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा एंट्री हमारा, बाय रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पी क्यू आर के बीच में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 2100 पी के लिए, 3150 क्यू के शेयर में जाएगा और 5250 आर के शेयर में जाएगा. अब इसी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास लॉस को हमने रिकॉर्ड किया है. ठीक है, तो अब ये जाएगा टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये देखिए टू साइड अब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको बाय साइड रिकॉर्ड किया, तो उधर साइड आपके टू साइड में ये रिकॉर्ड होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यू आर और एक्स के बीच में. क्यू के शेयर में आएगा 3500, 5250 आर के शेयर में और एक्स के शेयर में आएगा 1750 रुपीस. ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेटली सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए हैं. अब इसके बाद हमने आज सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स अपना कितना कैपिटल लेके आएगा. ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करने बोला है, तो क्यू और आर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट का 1/5 शेयर, मतलब इन दोनों के प्रॉफिट जो अभी आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, उसको ऐड करना है. उसका 1/5 शेयर किसका होगा, एक्स का कैपिटल होगा. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्यू और आर का हम बैलेंस कैरिड डाउन लेंगे. पी तो रिटायर हो गया, इसलिए उसका जो भी अमाउंट होगा वो जाएगा उसके लोन अकाउंट में, हमको पहले बोल दिया गया है. तो पी के लोन अकाउंट में वो अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा. तो पी का लोन अकाउंट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट्स को ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,100, दैट इज 26,100 रुपीस. ठीक है, ये आ गया पी के लोन अकाउंट में. अब क्यू और आर का अमाउंट देखिए तो 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 3,150, दैट इज 25,000 माइनस 3,500 माइनस 10,000, दैट इज 25,650 रुपीस. ठीक है, फिर आर का देखिए तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,250 माइनस 15,000 माइनस 5,250 इज इक्वल टू 40,000 रुपीस. ये हो गया इन दोनों का कैपिटल. हमको बोला गया इन दोनों के कैपिटल को ऐड करो और इसका लो 1/5, ये होगा एक्स का कैपिटल. ठीक है, तो ये टोटल कीजिए तो 65,650 आ रहा है. 65,650 का 1/5 लेंगे, दैट इज 13,130 रुपीज आएगा. तो ये एक्स का कैपिटल हो गया 13,130 रुपीज. ये जो अमाउंट है आप शो करेंगे बाय कैश अकाउंट, जो कि ये कैपिटल लेके आएगा 13,130 रुपीज. ठीक है, इसके बाद हमको हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली. अब इसके बाद यहाँ से देखिए 13,130 रुपीज उसका कैपिटल होगा यहाँ का. ध्यान से समझिएगा, यहाँ का कैपिटल अगर 13,130 रुपीज है, मतलब यहाँ पे आपको कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो यहाँ पूरा टोटल आएगा, क्योंकि ये सारे अमाउंट्स यहाँ पे कटने भी है. 13,130 प्लस 5,000 प्लस 1,750, दैट इज 19,880 रुपीज. तो 19,880 रुपीज यहाँ पे लेके आएगा. अब अगर हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट में बोला गया कि जो भी अमाउंट एक्स को लेके आना है वो अपने लोन अकाउंट से लेके आएगा. तो यहाँ पे कैश की जगह हम रिकॉर्ड करेंगे एक्स का लोन अकाउंट. ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हो. हमको जो ये 13,130 मिला है वो उसके यहाँ पे कैपिटल में शो करना है, मतलब जो भी उसके खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे माइनस करने के बाद 13,130 रुपीज हमारे पास बचना चाहिए. मतलब जो 13,130 प्लस 1,750 प्लस 5,000 टोटल अमाउंट ये अपने लोन अकाउंट से यहाँ डालेगा, फिर उसके बाद ये अमाउंट
जो है पहले कट जाएगा, फिर 13,130 उसका बैलेंस बच जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो। और इसी के साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट किया। एट लास्ट हमको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनके रिकॉर्डिंग, और जो जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 50,000 पहले था, अभी भी 50,000 है। नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम एक्स। पहले ये हुआ करता था 50,000 रुपीस, पर इस लोन में से हमने 19,880 रुपीस निकाल लिया है। 19,880 रुपीस यहाँ से माइनस कर दीजिए तो अमाउंट आपका आएगा ये 30,120 रुपीस। इसके बाद हमने एक नया लोन बनाया, दैट इज पी का लोन। पी का रिटायरमेंट में हमने पेमेंट नहीं किया, उसको लोन में डाल दिया। कितना अमाउंट? 26,100 रुपीस। नेक्स्ट इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल्स। कैपिटल अब आएगा क्यू आर और एक्स का। क्यू का अमाउंट है 25,650, आर का अमाउंट है 40,000, एक्स का अमाउंट है 13,130। ठीक है, टोटल देखें तो ये आएगा 78,780। अब आते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट जो भी हमने रिवैल्यूएशन में डाला है उसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। मतलब एसेट की जो वैल्यू पहले हम शो कर रहे थे वही अभी भी शो करेंगे। बिल्डिंग 10,000 में था, अभी भी 10,000 में शो होगा। मशीनरी की वैल्यू पहले थी 30,000, अभी भी आप वही शो करेंगे। स्टॉक भी सेम रहेगा, डेटर्स भी सेम रहेंगे। स्टॉक था 20,000 और डेटर्स थे हमारे पास 30,000 रुपीज़। और साथ साथ अगर आप देखें तो ना ही हमने कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया है, ना ही कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया है। जो पैसा एक्स लेके आया वो भी अपने लोन से लेके आया, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा उससे नहीं हुआ है। इसलिए कैश और बैंक दोनों आपके यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे सेम अमाउंट में, मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ भी नहीं है। 2,000 प्लस 93,000 रुपीज़। ठीक है, अब अगर आप टोटल करें तो टोटल अमाउंट पहले जितना हमारा बैलेंस शीट में आ रहा था दैट इज 1,85,000, अभी भी आपका टोटल 1,85,000 रुपीज ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आप देखें तो एडमिशन कम रिटायरमेंट में इसके बाद और भी क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, 22, 23 और 24, तीन क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। खुद से सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने वो आपको कराए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, और उसके साथ हम रिटायरमेंट और साथ साथ एडमिशन का रिटायरमेंट को भी यही एंड करते हैं। अगली क्लास से डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। So that's it. See you all in the next video.